वेलकम टू आवर चैनल ओडिशा कॉमर्स पॉइंट माय सेल्फ सिद्धार्थ। सो आज आम पढ़ा जाऊे बिजनेस स्टडीज मैनेजमेंट जोड़ा कि आम शॉर्टकट रे बीएसएम बोली कोई परिवार। ओके तार आज फर्स्ट आम कंटेंट्स देखीद। सो आम कंटेंट्स चार्टा यूनिट अच्छी। फर्स्ट यूनिट अच्छी नेचर एंड सिग्निफिकेन्स अफ मैनेजमेंट एंड देर फंक्शंस अफ मैनेजमेंट। ओके सो यार आम दुटा चैप्टर आस चैप्टर हूँ नेचर एंड स्कोप अफ मैनेजमेंट जोड़ा कि आज आम पढ़ा जाऊे एंड सेकेंड फंक्शंस अफ मैनेजमेंट। देन आम सेकेंड यूनिट आस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। सो यार दुटा चैप्टर आस इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आउ गोटे फोर्थ चैप्टर हूँ बिजनेस एनवायरनमेंट। देन थर्ड यूनिट हूँ आम फाइनेंशियल मार्केट एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट से अंडर दुटा चैप्टर दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट। और नेक्स्ट लास्ट फोर्थ यूनिट हूँ आम कंज्यूमर प्रोटेक्शन अंडर सेलेक्शन ना कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ओके एंड सो आज आम स्टार्ट करिया जाउचे नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आम जानिबा मैनेजमेंट माने कौन। सो मैनेजमेंट जदि आम कह गोटे टाइप यूनिवर्सल कनसेप्ट। ओके सो मैनेजमेंट आम एवरी प्रॉफिटेबल जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो कि नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो सी सबुठी एप्लीकेबल। सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन आम देखा मैनेजमेंट कंपलसरी रोज बिजनेस से ऑर्गेनाइजेशन रो कौन तार गोल सी अचीव करने को डिफिकल्टी आइबो बा सी मैंने श्योरली कही पार कि सी तार मानने जो आम तार गोल्टा अच्छे से अचीव कर पार ना नहीं। ठीक अच्छे तो आम मैनेजमेंट कौन फास्ट देखा मैनेजमेंट जनरली दी टाइप आम कहीपर जैट इज ट्रेडिशनल कनसेप्ट हिसाब से आगे मॉडर्न कनसेप्ट हिसाब से। ठीक अच्छे सो ट्रेडिशनल कनसेप्ट कौन कहे जहाँकि ट्रेडिशनाली लोक मैंने आगुरु कहार मैनेजमेंट इज द आर्ट अफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रो अदर्स। सो मैनेजमेंट कहवाक गले गोटे ग्रुप एक्टिविट। ठीक अच्छे ग्रुप अफ पीपुल कौन करती गोटे गोल्टा को अचिव करने ट्राए करती। सो आगुरु कौन कह लोक मैंने मैनेजमेंट गोटे आर्ट कला जोटा कि ग्रुप अफ पीपुल मिसिकी किसी अचिव करने ट्राए करते। ओके देन मॉडर्न कनसेप्ट देन एवं जो एवर जेनेशन कौन कहे मैनेजमेंट इज द आर्ट अफ गेटिंग थिंग्स डन विथ द एम अफ अचिविंग अर्गानाइजेसन गोल एफिसीयंटली एंड एफेक्टिवली। ओके सो मैनेजमेंटा कौन गोटे आर्ट जोटा कि आम ट्रेडिशनल कनसेप्ट हिसाब से कहते जमीक आर्ट अफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स बट आउ गोटे कौन आस एक्सट्रा पॉइंट एफिसीयंटली एंड एफेक्टिवली। सो एफिसीयंटली मैंने कौन विथ लो कस्ट आम कम टाइम हाई प्रॉफिट एम करवा और एफेक्टिवली मैंने विदिन ए पीरियड ऑफ टाइम आम गोल्टा को अचीव करवा। सो नेक्स्ट आम पढ़ा जाऊे मैनेजमेंट रो किसी कनसेप्ट फ्रेंड्स लेट अस डिस्कस द कनसेप्ट अफ मैनेजमेंट। ओके सो फर्स्ट कौन आसमर मैनेजमेंट एज ए नाउन। सो मैनेजमेंट एज ए नाउन कौन कौन मैनेजमेंट रे ग्रुप अफ पीपुल्स था एवरी पीपुल एवरी पर्सन रोटे डिफरेन्ट रोल थाए। सो एवरी पर्सन को से परफेक्टली डिफाइन करे। ओके जमीक आम फर एक्जामपल बोर्ड अफ डायरेक्टर्स चीफ एक्जिक्यूटिव ऑफिसर जनरल मैनेजर एटसेट्रा बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट रोल्स थाए। ओके सो मैनेजमेंट एज ए नाउन कह जाए। देन मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस मैनेजमेंट जो होता डिफरेंट फंक्शंस तार थाए बहुत सारा फंक्शंस थाए जहाँकि इंटर रिलेटेड थाए। ओके सो मैनेजमेंट जनरली आम फाइव फंक्शंस अच्छे कहीं सेकेंड चैप्टर पढ़िया प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग ओके डायरेक्टिंग यहाँ सब आम पढ़ा कंट्रोलिंग एटसेट्रा। ओके सो ताडर आम कौन आस सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस कौन कौन जे मैनेजमेंट को ह्यूमन रो नीड बा वांट्स को बा तार सैटिस्फैक्शन को मध्य देखा पड़े। सो मैनेजमेंट रो गोटे प्रोसेस अच्छे जहाँकि ह्यूमन एफर्ट को मध्य सी इंपोर्टेंस दिए। सो ह्यूमन फैक्टरटा गोटे इंपोर्टेंट एलिमेंट। ओके बिजनेस में जोटा कि नथिले बिजनेस रन करिवनी। देन इंटीग्रेटेड प्रोसेस बिजनेस माने बिजनेस रे कौन माने मैनेजमेंट कौन करुचे आमर ह्यूमन फैक्टर को आउ फिजिकल फैक्टर्स माने फिजिकल फैक्टर्स को दुटा जाक सी कौन टुगेदर करे माने ताको इंटर रिलेटेड करे। ओके जहाद्वारा कि कौन आमर सब वर्क एफिशिएंटली एफेक्टिवली कंप्लीट हुए। सो आम देन आसुचे इंटरैक्टिव प्रोसेस। इंटरैक्टिव प्रोसेस आम कौन कौन जो भी आम फंक्शंस अच्छी सब जगह कौन इंटर रिलेटेड टू इच अदर जमी जब प्लानिंग है फर एक्जामपल देन प्लानिंग है मैंने सहित कंट्रोलिंग हो पार सहित मैंने प्लानिंग जब गोटे प्लान तैयारी कला देन तार कंट्रोल फॉर स्टैंडर्ड्स तैयारी करहब। ओके देन आम कंटिन्यूअस प्रोसेस मैनेजमेंट गोटे टाइप कौन कंटिन्यूअस प्रोसेस बिजनेस स्टार्ट होगा टू मैनेजमेंट स्टार्ट हुए जे बिजनेस एंड है पर्यंत आम मैनेजमेंट कंटिन्यू करे। ओके देन आम आउ गए नेक्स्ट कनसेप्ट कौन आस मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी। मैनेजमेंट गोटे टाइप एक्टिविटी जमी आम प्लेइंग करे स्टडी करे सब पाठ पढ़ुचे खेलुचे सो
जमी करमी मैनेजमेंट है गोटे टाइप एक्टिविटी ओके देन आम कौन मैनेजमेंट एज ए ग्रुप मुझे डेफिनेशन रे कही थी तुम मैनेजमेंट एज ए ग्रुप मैंने ग्रुप ऑफ पीपल्स मिसिकी गोटे ऑर्गेनाइजेशन रो गोल टाक अचीव करने हेल्प करती सो ग्रुप ऑफ पीपल्स मिसिकी आम मैनेजमेंट चलांती सो सेटार मध्य डिफरेंट टाइप्स अच्छा फैमिली मैनेजर जमी गोटे फैमिली मेम्बर जदि जो ओनर अच्छी सो तार गोटे फैमिली मेम्बर टे मैनेजर होगा सो से आम फैमिली मैनेजर नॉर्मली कह देन प्रोफेशनल मैनेजर मैंने कौन जी कि क्वालिफिकेशन हिसाब से आसिकी प्रोफेशनाली जॉइन हो प्रोफेशनल मैनेजर कहवा देन सिविल सर्वेंट जमी आम फॉर एग्जांपल नहीं पारे आईएएस जी कि ह्यूमन ह्यूमन जो वांट्स अच्छे नीड्स अच्छे मैनेज करे ओके गोटे सोसाइटी को सी मैनेज करे सो से आम नहीं पार ह्यूमन एफर्ट को जी कंट्रोल करे सी सिविल सर्वेंट कही पार सो मैनेजमेंट आजिकल कौन सोशल सेक्टर को इंपोर्टेंस दे सो एतिके आमर थिला कांसेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट सम अदर कांसेप्ट्स सो फ्रेंड्स नाउ वी विल डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट सो मैनेजमेंट रे तो बहुत सारा फीचर्स अच्छे सो किसी फीचर्स एवं डिस्कसन करिया सो फर्स्ट फीचर कौन मेन फीचर तर कौन मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड सो मैनेजमेंट प्रथम लक्ष्य कौन तार प्रथम लक्ष्य हूँ सी बिजनेस तार ऑर्गेनाइजेशन रो गोलटा जहाँ तार मेन गोलटा थी से कमी अचीव कर ठीक अच्छे सो से अचीव करने कौन कर से डिफरेंट टाइप्स रो प्रोसेसेस बा फंक्शंस मैनेजमेंट रो जो फंक्शंस अच्छे से जाको अप्लाई करी सी एफिशिएंटली एंड एफेक्टिवली तार गोलटा को सी कौन करचिव कर ठीक अच्छे देन आम आसेंड मैनेजमेंट इज परवेसिव मैनेजमेंट इज परवेसिव या मीनिंग कौन परवेसिव माने कौन परवेसिव माने यहाँ मैनेजमेंट हूँ यूनिवर्सल फेनोमेनन माने एवरी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो कि सेटा नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो माने दीटा टाइप दिजन जा कौन करें मैनेजमेंट को यूज करें सो मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल फेनोमेनन कहीपर आम को देन आम थर्ड पॉइंट कौन आस मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस सो जेबुटु बिजनेस स्टार्ट हम सेबुटु मैनेजमेंट लगे टिल बिजनेस एंड हेला जाए सो मैनेजमेंट गोटे टाइप कंटिन्यूस प्रोसेस सो तार जो मेन फंक्शंस अच्छे से जगह वन आफ्टर वन कौन इंटरलिंक्ड अच्छा और वन आफ्टर वन से कौन गोटे गोटे फंक्शंस लगातार चले सो आम फोर्थ कौन आसे मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी सो मैनेजमेंट मुझे तुम डेफिनेशन रही कही गोटे ग्रुप ऑफ पर्सन्स कौन करती एक्टिविटा मैंने एक्टिविटी करती जहाद्वारा गोलटा अचीव हुए सो मैनेजमेंट गोटे कौन ग्रुप एक्टिविटी मैंने ग्रुप ऑफ पर्सन्स कौन करती तांकर गोटे कॉमन ऑब्जेक्टिव थाए जोटा भी तांके कौन डिफरेंट पार्ट रे भाग कर दिखते निज भितर और से गोलटा को अचीव करने कौन एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम करती सो देन आम कौन आस मैनेजमेंट इज ए डायनामिक फंक्शन मैनेजमेंट कौन एनवायरमेंट को धरिकी चेंज हो पारे सो जदि माने ना कि सब जगार सेम एनवायरमेंट थी सेम टाइप लोक मैंने थे सो विभिन्न जगार विभिन्न लोक मैंने थे सो मैनेजमेंट कौन ताअुसार हैंडल करवा जना सो मैनेजमेंट इज ए कौन डायनामिक फंक्शन कौन सेटा से एनवायरमेंट को धरिकी चेंज हो पारे देन आम सिक्स पॉइंट कौन आस मैनेजमेंट इज इनटैंजिबल मैनेजमेंट को आम कौन कर फिल करमी होम देखिपर बट ताकू कौन आम के देखिपर कि टच करें मैनेजमेंट को आम जस्ट कौन रियलाइज कर देन आफ्टर मैनेजमेंट इज ए कंपोजिट प्रोसेस मैनेजमेंट गोटे टाइप कंपोजिट प्रोसेस मैंने कौन डिफरेंट टाइप फंक्शंस कौन इंटरलिंक था इंटराक्ट होते भितर सो तार मेनली आम पांच फंक्शन जोटा कि आम पढ़ा नेक्स्ट चैप्टर रे प्लानिंग अच्छी ऑर्गेनाइजिंग अच्छी कंट्रोलिंग अच्छी ठीक अच्छे टैपिंग अच्छी डायरेक्टिंग अच्छी सो ये पांचटा फंक्शन आम नेक्स्ट चैप्टर रे पढ़ाक जाऊे सो मु तुमको जस्ट कहीदे प्लानिंगटा बामर जो ऑर्गेनाइजिंग अच्छे स्टाफिंग अच्छे सो प्लान ऑर्गेनाइजिंगटार कौन प्लानिंग आ स्टाफिक बिना हो पार नहीं ओके प्लानिंग होगा मैंने कंट्रोलिंग हो पारे सो वेरियस कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस अच्छे सो मैनेजमेंट को आम गोटे कौन कहीपर कंपोजिट प्रोसेस कहींपर सो नेक्स्ट पॉइंट आम कौन आस मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस ए पॉइंटा कौन कहला आमको मैनेजमेंट रे जो एक्टिविटी अच्छे से खाली तार बिजनेस अप टू तो बिजनेस ना सो मैनेजमेंट को कौन करा पड़े ना ताको तार वर्क को मैनेज करने सहित पीपल्स मान मैनेज करा पड़े भेरियस ऑपरेशंस को मैनेज करा पड़े सो आमर जो ह्यूमन टा होची ह्यूमन फैक्टर टा होची गोटे इंपोर्टेंट एलिमेंट इन द बिजनेस ह्यूमन को मैनेज करवा माने आमर बिजनेस टा भल कि रन कर सो सोसाइटी को केमिति हेल्पफुल हो पार बिजनेस केमिति प्रकार हेल्पफुल करा मैनेज करा पड़े बिजनेस को
सो तार वर्क को मध्य तार वर्क को केमती एकम्प्लीश करिवो से टाइमली सेटा मध्य से देखे और रिसोर्सेस को मध्य से ऑपरेशंस को केमती से माने कोन एफिशिएंटली एंड एफेक्टिवली तार ऑपरेशंस को चलेबो सेटा मध्य देखे सो हमर मैनेजमेंट कोन गो मल्टी डायमेंशनल माने डिफरेंट एक्टिविटीज सेडी इन्वॉल्व हे कि थाए देन हमर कोन आसे बैलेंसिंग एफिशिएंसी एंड एफेक्टिवनेस एफिशिएंसी माने कोन हम कहिथिली ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस विद इन टाइम ओके गोटे टाइम पीरियड भितर रिसोर्सेस जाऊ केमी यूज करहब से आम कौन एफिसीयसी एंड एफेक्टिवनेस मैंने कौन विदिन द टाइम पीरियड गोटे कम को कम्प्लीट करवा ओके जो भी वर्कटा आम दि जाइए मैनेजमेंट को सीटा कौन से विदिन द टाइम केमी कम्प्लीट करा मैनेज कै सो ए दुटा भितर गोटे कौन बैलेन्स रहा दरकार सो से बैलेन्सटा न रहा मतलब कौन एफिसीयसी एफेक्टिवनेस बिना रही पार्वन एफेक्टिवनेस एफिसीयसी बिना रही पार्वन और जदि दिजन जन भर जो गोटे भी नथिबो बिजनेस रे बोले कौन सेटा बिजनेसटा कौन चालू हो पार्वन सक्सेस सी एचिव कर पार्वन सो दुटा भितर बैलेन्स रखा कौन बिजनेस रोटे सरी मैनेजमेंट रोटे कौन बहुत बड़ वर्क सो यहाँ गोटे तार क्यारेक्टरीस्टिक्स कौन बैलेन्सींग एफिसीयसी एंड एफेक्टिवनेस सो स्टूडेंट्स आज एति जहाँ भी डाउट हम आप कमेंट बक्स में मतलब पचारिपारे ओके सो आपर आम नेक्स्ट अच्छे आम इम्पोर्टेंस आम ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से जहाँ नेक्स्ट क्लास रे डिस्कशन करवा ओके और टेलीग्राम चैनल रे मध्य जॉइन हो जातु जल्दी रू जल्दी जो थे आम पीडीएफ्स डिफरेंट क्वेश्चंस मध्य प्रोवाइड करा जीवो ओके सो वीडियोटा भल लगला देन लाइक करूँ अधिक रु अधिक सब्सक्राइब करूँ एंड शेयर मध्य करूँ जहाँ द्वारा अधिक पिला बेनिफिट पाई थैंक यू।